नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। किसी भी गुजरे हुए पल कलेक्टिव मेमोरी नहीं होती है। हर इंसान या समुदाय उस बीते पीरियड को अपने अनुभवों के आधार पर याद रखता है। अब COVID-19 पैंडेमिक को ही लीजिए। एक तरीके से 2020 वैक्सीन मेकर्स के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग या फिर फुल ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज एंड एक्सपेंशन था। वहीं दूसरे तरफ हमारे देश के करोड़ों गरीबों के लिए, खास तौर से माइग्रेंट्स के लिए, दिस ईयर मार्क्स द बिगेस्ट स्लाइड बैकवर्ड्स। नो पीरियड कैन एवर हैव अ कलेक्टिव मेमोरी। इट्स मेमोरी शैल ऑलवेज बी वेरिएबल। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स and economic classes will always recall the same period differently. Hindustan mein ye bhinnata sirf aarthik disproportion ke basis par nahi hoti hai. Hamare desh mein memory of a certain period varies on the basis of caste and religious identity too. Dekhte hi dekhte 21st century ke तो पहले डेकेड्स खत्म हो गए हैं। हिंदुस्तान में 21st सेंचुरी का जिक्र सबसे पहली बार पब्लिक डिस्कोर्स में राजीव गांधी ने किया था। हिंदुस्तान में लगभग 65% लोग 35 साल से कम आयु के हैं। द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस दस वर नॉट बॉर्न इन 1985 व्हेन राजीव गांधी first talked about the need to prepare India for the 21st century. Unka tenure 1989 mein Lok Sabha ke chunav ke haar se khatam ho gaya. Parantu tamam corruption scandals hone ke bawajood, us period mein there were some major achievements. The communication revolution ye pehla adhyay tha jiske chalte एसटीडी बूथ्स का राष्ट्रीय नेटवर्क बना। रेल टिकटों का कंप्यूटराइजेशन और वोटिंग की मिनिमम एज को घटाकर 21 से 18 की गई थी। नेगेटिव्स भी बहुत थे, उनकी बात अगर हम करने लगे तो शायद पूरा प्रोग्राम ही उस पर निकल जाएगा। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन टेररिज्म का फर्दर राइज और कंसोलिडेशन इस पीरियड में हुआ था। जम्मू कश्मीर में भी टेररिज्म का प्रॉब्लम इसी पीरियड में शुरू होता हुआ दिखाई देता है। द 21st सेंचुरी डॉन्ड ऑन इंडिया इन डार्कनेस कॉज्ड बाय द हाईजैक ऑफ IC-814 व्हिच टुक ऑफ फ्रॉम काठमांडू। 20th सेंचुरी के आखिरी दिन भारत सरकार ने टेररिस्ट्स के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। द गवर्नमेंट स्वॉप्ड 3 ड्रेडेड टेररिस्ट्स अंडर डिटेंशन इन इंडियन प्रिजंस फॉर ग्रीवियस ऑफेंसेस फॉर 160 पैसेंजर्स एंड मेंबर्स ऑफ द क्रू ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये फैसला बहुत ही आयरोनिक था, क्योंकि लेट 1980s ऑनवर्ड्स जब बीजेपी उस समय ऑपोजिशन में होती थी, वो इंडिया को एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर कहता था और उस समय के सरकारों को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। पॉलिटिकली द हाईजैकिंग एंड द गवर्नमेंट्स डिसीजन कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू इंक्रीज टेररिस्ट वायलेंस इन इंडिया। पिछले 20 सालों में टेररिज्म हमारे देश के पॉलिटिकल नैरेटिव का एक इंटीग्रल हिस्सा बन गया है। साथ ही इसके रिएक्शन में बीजेपी ने
अपने आइडियोलॉजी और इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस को बहुत बढ़ाया है। कोई दो राय नहीं है, पिछले दो दशकों में हिंदुस्तान में हिंदुत्व की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, हिंदू राष्ट्र के आइडिया को पहले से ज्यादा लोग अब सपोर्ट करते हैं। साथ ही हिंदुस्तान में इसी पीरियड में माइनॉरिटीज का, विशेषकर मुसलमानों के बहिष्कार और उत्पीड़न बढ़ गया है। द राइज ऑफ पॉपुलिस्ट मेजोरिटेरियनिज्म ट्रिगर्ड बाय इंक्रीज टेररिस्ट वायलेंस इन इंडिया कोइंसाइडेड विद द एमर्जेंस ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। अमरीका में सितंबर 11, 2001 के टेरर अटैक्स ने इंटरनेशनल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इस्लाम एंड मुस्लिम्स को बहुत हद तक डिटरमिन किया है। द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर वॉज द डोमिनेंट थीम ऑफ डिस्कशंस इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी। इन द सेकेंड डेकेड ऑफ द 21st सेंचुरी द डोमिनेंट थीम्स वर द hollowing of democratic institutions and emergence of authoritarian populism in several parts of the world. Often, like in India, majoritarianism emerged as a reaction to terrorism. This gave rise to fears of the death of democracy, something that appears to be a possibility in practice, if not formally declared. हालांकि एग्जैक्ट रिप्लिका नहीं, लेकिन पिछले दो दशकों में भारत की कहानी कुछ ऐसी ही है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर असेंबली में 9/11 के अटैक के कुछ ही सप्ताहों बाद अक्टूबर में भयानक हमला हुआ था। ठीक दो महीने और कुछ दिन बाद 13th of December 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ। इस घटना ने सिंबॉलिकली भारतीय गणतंत्र की नींव हिला दी थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने पुराने टेम्पलेट ऑफ हॉस्टिलिटी में लौट गई। पश्चिमी डिप्लोमैट्स ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को दुनिया का सबसे खतरनाक स्थान घोषित किया। उस बैकड्रॉप में विश्व हिंदू परिषद और उसके बाकी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को अयोध्या राम मंदिर मुद्दे को रिवाइव करने के लिए एक बहुत ही अप्रोप्रिएट विंडो दिखाई दी। राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कार्यक्रम अनाउंस किए गए, जिस जगह पर बाबरी मस्जिद 6th of December 1992 के पहले सिचुएटेड थी, वहां पे लोग इकट्ठे होने लगे। उन्हीं एक्टिविस्ट्स में से जो देश भर से जा रहे थे, गुजरात से एक जत्था आया था। ये लोग साबरमती एक्सप्रेस से अपने फेज का प्रोग्राम पूरा करके लौट रहे थे। 27th of February 2002 को गोधरा कांड के चलते नरेंद्र मोदी का हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उदय हुआ। अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो बीजेपी शायद गुजरात में 2003 का जो असेंबली इलेक्शंस ड्यू था उसको दोबारा नहीं जीत पाती। नरेंद्र मोदी भी शायद इतिहास के किसी पन्ने के फुटनोट बन के रह जाते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मोदी नेशनल फिगर तो बन गए, लेकिन बीजेपी 2004 का लोकसभा चुनाव हार गई। बट द डैमेज कॉज्ड टू द पॉलिटी बाय द पार्टी विच वॉज इन पावर अंडर अटल बिहारी वाजपेयी फॉर सिक्स इयर्स बिटवीन 1998 एंड 2004 वॉज नॉट अनडन by the United Progressive Alliance led by the Congress, although it was in office for 10 years. Manmohan Singh Sarkar ne highly abused POTA, Prevention of Terrorist Act 2002 ko to repeal kiya. Lekin kuch hi samay ke baad unhone
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 में कुछ अमेंडमेंट्स किए। इन अमेंडमेंट्स के बाद ये कानून उतना ही ड्रेकोनियन हो गया जितना कि पोटा होता था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलिज्म को बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी कहा, जबकि उनको इस फिनोमिनन के तहत तक जाना चाहिए था। आखिरकार रूरल अनरेस्ट एकदम टोटली डिप्राइव्ड इलाकों में क्यों होता है उसको समझना बहुत जरूरी था। चाहे आतंकवाद हो, अलगाववाद या फिर सामाजिक हिंसा, कारण हमेशा इनइक्विटी एंड आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का प्रमोशन होता है। हिंदुस्तान में मेजॉरिटेरियन फोर्सेस को मालूम था एंट्री राइट विंग से मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी को मोहम्मद अली जिन्ना में सेक्युलरिज्म के सिम्टम्स दिखाई देने लगे और दूसरे तरफ मोदी ने अपना हिंदू हृदय सम्राट के इमेज को उतार कर विकास पुरुष का नया मुखौटा पहन लिए। 2014 के जीत के बाद धीरे धीरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया गया और हमारे देश के सेक्युलर फैब्रिक पर लगातार एक के बाद एक आघात होने लगा। शुरुआत में लगा मोदी के लीडरशिप में बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को परस्यू करेगी, लेकिन हाल के एंटी कन्वर्जन लॉज जो तथाकथित लव जिहाद को नियंत्रित करने के लिए लाए गए हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि ये प्रिजम्पशन को हमको ऑल्टर करना पड़ेगा। अब लगता है दैट द बीजेपी इज ग्रेजुअली लीविंग द प्रिटेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इंडिया में मेजॉरिटेरियन फोर्सेस का मैनिफोल्ड राइज 21st सेंचुरी के पहले दो डेकेड्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहा है, परंतु इसके साथ ग्लोबल ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करते हुए मास प्रोटेस्ट का सिलसिला भी देखने को मिला है। अरब स्प्रिंग और दुनिया में कई देशों में प्रो डेमोक्रेसी के मूवमेंट्स चले हैं। उनसे इंस्पायर होकर हिंदुस्तान में 2011 और 12 में करप्शन के खिलाफ आंदोलन हुआ था। उससे फिर डेमोंस्ट्रेट हुआ था कि द पीपल हैड द पावर टू डेमोंस्ट्रेट ऑन देयर ओन। 2020 खत्म होते होते हिंदुस्तान के किसानों ने आर्बिट्ररी फार्म लॉज के खिलाफ आवाज उठाई है। किसानों ने डेमोंस्ट्रेट किया दैट द पीपल स्टिल हैव द कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स आउटसाइड द रियल ऑफ मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। भविष्य में क्या होगा कहना संभव नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का डिक्लाइन इनटू मेजॉरिटेरियन ऑथोरिटेरियनिज्म को आम जनता की तरफ से रेजिस्टेंस लगातार हो रहा है। ऐसा पूरे दुनिया के बारे में कहा जाता है दैट फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका पीपल्स प्रोटेस्ट हेल्प डिफाइन द टू डेकेड्स ऑफ द 21st सेंचुरी। अमरीका एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है जहां कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी 200 साल से ज्यादा पुरानी है। महत्वपूर्ण बात है वहां के जनता ने अभी नवंबर में एक पॉपुलिस्ट डेमोगॉग को चुनाव में पराजित किया है, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल ईयर्स में जो इंस्टीट्यूशनल डीके और वैल्यू सिस्टम में परिवर्तन हुआ वो अभी भी बरकरार है। 21वीं शताब्दी के पॉलिटिकल मैक्रो ट्रेंड्स के साथ हिंदुस्तान में इवेंट्स के साथ सिमिलैरिटीज की तो बात हमने की है, परंतु साथ ही कुछ नॉन पॉलिटिकल इश्यूज में कॉमनैलिटीज देखने को मिलता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है द इशू ऑफ सोरिंग इनइक्वालिटी accompanied by debt and the neglect of working people. Modern capitalism has failed
in the past 2 decades to provide anything to the people except their bare necessities. और अब COVID-19 के बाद इस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है कि क्या इवन द बेसिक नेसेसिटीज विल बी फुलफिल्ड बाय द इंडियन स्टेट और नॉट। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन के माध्यम से बढ़ती हुई डिस्पैरिटी को ज्यादा चुनौती नहीं दी है। इट अपीयर्ड दैट मोस्ट लार्ज parties in India were complicit in concentrating wealth in the hands of a few. Janta ka rosh chahe abhi Delhi ke borders par ho ya phir kuch saalon se duniya mein alag alag deshon mein dikhai diya gaya ho. Ye ek sanket hai. These protests show that realization has deepened among people that neoliberal capitalist policies that governments all over the world are following will not enable them to realize their ambitions. I mean the people's ambitions. Har desh mein aam janta mainstream politics or parliamentary processes ke bahar direct intervention ke methods ko explore kar rahi hai. 21vi shatabdi ke पहले 2 दशकों की कहानी एक तरह से बाइपोलर है। एक तरफ डोमिनेंट पॉपुलिस्ट और मेजॉरिटेरियन फोर्सेस ने अपने सपोर्ट को कंसोलिडेट किया है, वहीं दूसरे तरफ पीपल्स रेजिस्टेंस और प्रोटेस्ट की राजनीति का इमर्जेंस हुआ है। कोई शक नहीं है COVID-19 का इम्पैक्ट बहुत हद तक हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा। हिंदुस्तान में मेजॉरिटेरियन एजेंडा का स्ट्रैंगल होल्ड इन द पास्ट 2 डेकेड्स बहुत बड़ा है, लेकिन जनता ने रेजिस्ट करने की कोशिश हर कदम पे की है। द फ्यूचर ऑफ द नेशन शैल बी डिटरमिन्ड बाय द सक्सेसेस और द फेलियर्स ऑफ पीपल्स मूवमेंट टू फ्यूज economic policies with the political issues that have come in the last 2 decades. Namaskar.